अथर्ववेद आशापालक सूक्त ऋषि ब्रह्मा देवता आशापालह वास्तुष्पति ही चार दिशाओं के चार अमर दिक्पाल हैं। वे इस बने हुए जगत के अध्यक्ष हैं, उनकी पूजा हम करते हैं। चारों दिशाओं के चार दिक्पाल हैं, वे हमें हर एक पाप से बचावे और दुर्गति से भी हमारा छुटकारा करें। मैं ना थकता हुआ उनका सत्कार करता हूँ, लंगड़ा लूला ना बनकर मैं उनको घी देता हूँ। जो इन चार दिक्पालों के चतुर्थ देव हैं, वह हमें सुख पूर्वक उत्तम अवस्था तक पहुँचावे। हमारे पिता माता, हमारे अन्य इष्ट मित्र, हमारे गाय घोड़े आदि पशु तथा जो भी हमारे प्राणी हों, वे सब इस प्रकार सुखी हों, हमारा सब प्रकार से अभ्युदय होवे और हमारा ज्ञान उत्तम प्रकार से बढ़े तथा हम दीर्घायु बने। दिक्पाल पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर ये चार दिशाएं हैं, उनकी रक्षा करने वाले चार दिक्पाल हैं। वे अपनी अपनी दिशा का संरक्षण कर रहे हैं। ये विश्व के रक्षक इतने दक्ष हैं कि इनको ना समझते हुए कोई मनुष्य किसी भी प्रकार बुरा कार्य कर नहीं सकता। हर एक मनुष्य को उचित है कि वह उक्त बात मन में धारण करे और इन दैवी लोकपालों के दंड के योग्य कोई आचरण ना करे। राजा अपने राज्य की व्यवस्था और राज्य का सुशासन करने के लिए अपने राज्य में चारों विभाग करके उन पर एक एक मुख्य शासक अधिकारी नियत करे। वह अधिकारी दक्षता से अपने विभाग का योग्य शासन करे, दुष्टों को दंड दे और सुष्टों का प्रतिपालन करे और कहीं भी अनाचार होने ना दे। यह राष्ट्र नीति का पाठ इस सूक्त से हमें मिलता है। विश्व के अंदर राष्ट्र और राष्ट्र के अंदर व्यक्ति का देह है और इन तीनों स्थानों में नियम एक जैसा ही है। इसीलिए राष्ट्र शासन का विचार होने के पश्चात जिन व्यक्तियों का राष्ट्र बनता है, उन व्यक्तियों के अंदर चार दिशाओं के चार दिक्पाल किस रूप में हैं और उनका शासन इस अध्यात्म भूमिका से कैसे चल रहा है और उससे हमें वैयक्तिक सदाचार के विषय में कौन सा बोध लेना है, इसका विचार अब करना चाहिए। देह में चार दिक्पाल। देह में मुख को पूर्व द्वार कहते हैं और गुदा को पश्चिम द्वार कहते हैं। ये द्वार एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। पूर्व द्वार से अर्थात मुख से अन्नपान शरीर के अंदर घुसता है, वहाँ का कार्य करता है और शरीर के मदी के रूप में परिवर्तित होकर पश्चिम द्वार से अर्थात गुदा से बाहर हो जाता है, अर्थात पोषक अन्न का प्रवेश पूर्व द्वार से इस शरीर में होता है और मल को दूर करने का कार्य पश्चिम द्वार से होता है। दोनों कार्य शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक ही हैं, परंतु यह तो स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के साथ का संबंध है। इससे और दो द्वार हैं जिनका संबंध मनुष्य की उन्नति या अधोगति के साथ अधिक है। वे दो द्वार मनुष्य के शरीर में ही हैं, जिनको उत्तर द्वार तथा दक्षिण द्वार कहते हैं। उत्तर द्वार मस्तक में है, जिसका नाम विद्रति द्वार उपनिषदों में कहा है। इस द्वार से शरीर में जीवात्मा का प्रवेश होता है और इसी द्वार से अपने प्रयत्न से जिस समय यह बाहर जाता है, उस समय से यह जन्म मरण के दुख से छुटकारा पाता है और पुनः शरीर के बंधन में पड़ता नहीं। बालक के मस्तक में छोटेपन में इस स्थान पर हड्डी नहीं होती। इसका नाम उत्तर द्वार है क्योंकि इस द्वार से जाने से उच्चतर अवस्था प्राप्त होती है। यह द्वार मज्जा केंद्र के साथ संबंधित है। इसी मज्जा केंद्र के साथ संबंध रखने वाला निचला द्वार शिशन है, जिससे वीर्य का पात होता है। इसके योग्य नियम पालन से सुयोग्य संतति उत्पन्न होती है, परंतु इसके अनियम में चलाने से मनुष्य की अधोगति होती है। ये दो द्वार मनुष्य को उच्च और नीच बनाने में समर्थ हैं। ब्रह्मचर्य पालन द्वारा उत्तर मार्ग से जाने का उपनिषदों का वर्णन इसी उत्तर मार्ग को सूचित करता है। इसी का नाम उत्तरायण अर्थात उत्तर जमा अयन अर्थात उत्तर मार्ग से जाना है।
इसके विरुद्ध दक्षिणायन अर्थात दक्षिण मार्ग से जाना है, जिसके संयम से उत्तम गृहस्थ धर्म पालन पूर्वक उन्नति होना संभव है, परंतु असंयम से मनुष्य इतना गिरता है कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता। ये दो मार्ग मज्जा तंतुओं के साथ संबंध रखने वाले हैं। इस प्रकार पूर्व द्वार और पश्चिम द्वार ये शरीर में अन्न नली के साथ संबंध बताते हैं, तथा उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार के ये दो मार्ग मज्जा तंतुओं के साथ संबंध रखते हैं। ये चार द्वारों के चार संरक्षक देव हैं, परंतु ये देव राक्षसों के हमले के अंदर दबने नहीं चाहिए। आशा और दिशा। इस सूक्त में दिशावाचक आशा शब्द है और उसके पालक का नाम आशापाल मंत्रों में आया है। आशा शब्द के दो अर्थ हैं, एक दिशा और दूसरा आशा। महत्वाकांक्षा उम्मीद, मनुष्य की जैसी आशा इच्छा महत्वाकांक्षा और उम्मीद होती है, उसी प्रकार की उसकी कार्य करने की दिशा होती है। मनुष्य जिस समय आशाहीन हो जाता है, निराश होता है, हताश होता है, उस समय वह इस जगत से हटने का या मर जाने का इच्छुक होता है। यह विचार यदि पाठकों के मन में जम जाएगा तो उनको पता लग जाएगा कि यह सुक्त मनुष्य के साथ कितना घनिष्ठ संबंध रखता है। जिस समय आशा शब्द का अर्थ आशा आकांक्षा आदि किया जाता है, उस समय यही सुक्त मनुष्य का अभ्युदय का मार्ग बताता है, तथा जिस समय इसी आशा शब्द का अर्थ दिशा किया जाता है, उस समय यही सुक्त बाहरी जगत तथा राष्ट्र के प्रबंध का भाव बताता है। सुक्त की यह शब्द रचना विशेष गंभीर है और वह हर एक को वेद की अद्भुत वर्णन शैली का स्वरूप बता जा रही है। सुक्त का मनुष्य वाचक भावार्थ, मनुष्य की चार आशाएं हैं, उनके चार अमर पालक हैं, इन भूता अध्यक्षों की हम हवन से पूजा करते हैं। मनुष्य की चार आशाओं के चार पालक हैं, वे हमें पाप से बचावे और दुष्ट अवस्था से भी बचावे। मैं ना थकता हूँ और अंगों से दुर्बल ना होता हुआ हवि से तथा घृत से इनको तृप्त करता हूँ। इन चारों आशाओं के पालकों में से चतुर्थ पालक जो है, वह हमें उत्तम आनंद को प्राप्त करने में सहायक होवे। इनकी सहायता से हमारे माता पिता इष्ट मित्र गाय घोड़े आदि सब सुखी हों, हमारा अभ्युदय होवे और हम ज्ञानी बनकर दीर्घायु बने। केवल एक आशा शब्द का अर्थ ठीक प्रकार में आने से व्यक्ति विषयक उन्नति के मार्ग के संबंध में कैसा उत्तम उपदेश मिल सकता है, यहाँ पाठक देखें। यह उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अनुसार चलने से मनुष्य ऐहिक अभ्युदय तथा पारमार्थिक निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है। इस सूक्त पर बहुत लिखा जा सकता है, परंतु यहाँ संक्षेप से ही इसका विवरण कहेंगे।